आपको टोस्ट का जो है शाही टुकड़ा बनाना बताऊंगी, तो बहुत ही टेस्टी होता है और थोड़ा सा टाइम लगता है चाशनी बनने में। तो मैं अभी आपको ये थोड़ा सा घी डाला हुआ है, इसमें एक इलायची डाल दे रही हूँ। एक लौंग डाल दूँगी, उसके बाद जो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। दो कप पानी लिया हुआ है, तो मैं जो हूँ दो कप चीनी डाल दूँगी। आप मीठा अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसको थोड़ी देर में अच्छे से एक तार की चाशनी बनने तक पकाऊंगी मैं इसको। थोड़ा सा मैं नींबू देख सकती हूँ, थोड़ी सी कुछ केसर के धागे डालूंगी, इससे इसमें थोड़ा सा कलर आ जाएगा। उसके बाद मैं इसको जो है एक तार की चाशनी बनने तक पकने दूँगी। इस तरह से हम ऊपर से शाही टुकड़े में डालने के लिए इस तरह से दूध को हम एकदम रबड़ी की तरह पका लेंगे। उसके बाद जो है हम हमारी चाशनी जो है देख सकते हैं ये पक गई है। तो इसको हम ये इस साइज़ का टोच लेंगे, आप कोई भी टोच ले सकते हैं, कोई भी साइज़ का, किसी भी कंपनी का। तो अब इस टोच को हम जो है इस चाशनी में इस तरह से डिप करेंगे और दोनों साइज़ में इस तरह से पलट करके चाशनी को जो टोच को निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारे टोच को चाशनी में डिप करेंगे और डिप करके इस तरह से देख सकते हैं निकाल लेंगे। इस तरह से हमने जो है चाशनी में डिप करके इस तरह से प्लेट में लगा दिया है। अब इसके ऊपर से हम जो ये हमने दूध पकाया हुआ था उसको भी हम इसी के ऊपर से डाल देंगे इस तरह से। आप चाहें तो इसको एकदम खोवे की तरह भी पका सकते हैं, एकदम मावा बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा पतला रहता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। इस तरह से हम उसमें जो है काजू बादाम को कट करके डाल देंगे, डेकोरेट कर देंगे। ये देख सकते हैं हमारा शाही टुकड़ा जो है तैयार है। इसमें हम थोड़ा सा गरी का बुरादा भी डाल देंगे। ये देख सकते हैं हमारा शाही टुकड़ा, टोस्ट का शाही टुकड़ा तैयार है। आप इसको बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए, बहुत अच्छा लगता है और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, ज़्यादा मटेरियल भी नहीं लगता है। इसको आप बनाइए, आप चाहे तो आप ये जो हमने दूध का बनाया खोया वो आप स्किप भी कर सकते हैं, अगर नहीं पसंद है तो आप सिर्फ चाशनी में डिप करके ही खा सकते हैं। हाँ, तो उसको थोड़ा सा घी में ज़रूर फ्राई कर लीजिएगा, तो उसको घी में फ्राई करने से इसका टेस्ट और अच्छा आता है। घी में या रिफाइंड ऑयल, आप जो भी चीज़ में, बस इसको जो है ऑलिव ऑयल इस किसी चीज़ में भी रिफाइन मतलब करके इसको फ्राई करके उसके बाद ही टोस्ट को चाशनी में डिप करिएगा। तो मैंने पहले से डिप किया हुआ था, वो मैंने नहीं दिखाया है। तो आप उस तरह से बना के, मैंने माइक्रोवेव में ही सिर्फ घी लगा के कर दिया था। तो आप इस तरह से बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए, बहुत टेस्टी लगता है ये शाही टुकड़ा टोस्ट का। हम लोग को ब्रेड का थोड़ा सा क्रिस्पी बनाना पड़ता है, ये अपने आप ही क्रिस्पी होता है, इसलिए इसका जो है शाही टुकड़ा बहुत अच्छा होता है। आप बनाइए और खाइए, इंजॉय कीजिए। बाय बाय। आपको मेरा चैनल पसंद आता है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बाय।